नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 बेहतरीन शेयर जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक बेहतरीन रिटर्न, एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। ये दोस्तों अलग अलग सेक्टर से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, खास करके इसमें हम एग्रोकेमिकल्स या केमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर के स्टॉक्स लिए हैं। ये सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी पीछे 5 साल से हॉट स्टॉक, मतलब कि ये सेक्टर ही पूरे हॉट बना हुआ है मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। तो ऐसे ही सेक्टर से ज़्यादातर स्टॉक्स है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हमारे स्टॉक्स हैं। तो ये 12 स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम काफ़ी कम चर्चा करते हैं, लेकिन ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, मतलब ये ब्लूचिप स्टॉक्स इसमें कम है। जो वेल नोन ब्लूचिप स्टॉक्स है वो तो स्टॉक्स ये नहीं है, लेकिन ये काफी बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों इसमें जो पहला स्टॉक्स है हमारा वो है नवीन फ्लोरी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे देखिए काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है आपको। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अगर आप इसका रिटर्न देखें तो देख लीजिए कितना बेहतरीन है, 2827%। अगर आप इसको कभी गिरावट में बाय करते तो आप देख लीजिए 8000%, मतलब कभी गिरावट में बाय के रहते बाय ऑन डिप्स तो आइए और आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, आप 1 डे में देख लीजिए, 5 डे में देख लीजिए, जब भी देखिए ये पॉजिटिव रिटर्न देगा, 6 मंथ में देख लीजिए, 1 मंथ में, ईयर टिल डेट में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी है। वहीं दूसरा स्टॉक से हमारा SRF लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 डे में ये डाउन है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। 5 डे में भी डाउन है, 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो 1 मंथ में देख लीजिए 4.48% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन है। 6 मंथ में देख लीजिएगा तो भी आपको, मतलब ये फ्लैट दिखेगा, 6 मंथ में कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है, 6 मंथ में 0% एग्जैक्ट 0%, लेकिन 0.15 है, 0.15 पैसा रिटर्न दे रहा है। वहीं एयरटेल रेट में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 9.46%। तो कुछ असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, इस पैंडमिक का, लेकिन 1 ईयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं 1 ईयर में 36% का रिटर्न। और इसके जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। वहीं 5 ईयर्स में देखेगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, देख सकते हैं। मैक्सिमम ईयर में देखेगा तो और भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, मैक्सिमम ईयर में देखिए तो मैक्सिमम ईयर में 41,000% का रिटर्न है। तो चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी, मतलब अच्छा चार्ट है। ऐसे ही स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है और बाय ऑन डिप्स, मतलब जैसे आपको कभी डिप्स पर मिले तो आपको बाय करना है, मतलब किसी भी गिरावट पर मिले। उसके बाद अगला है हमारा PI इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। PI इंडस्ट्री, SRF, इस सब के बिजनेस जो है डाइवर्सिफाइड है, केमिकल सेक्टर की कंपनी, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो आप देखिए 1 दिन में डाउन है, 5 डेज में देखिएगा पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, देखिए कितना बेहतरीन स्टॉक है। वो ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। 1 ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, देख लीजिए 1 ईयर में 61%, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब हमेशा पॉजिटिव रिटर्न, देख लीजिए 5 ईयर्स में तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 2307%। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ऐसे ही स्टॉक्स 12 स्टॉक्स को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, तो आपको यह 12 स्टॉक्स एक जो है करोड़पति बना सकता है, लाख रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो। लाख रुपया है तो आपको 5 स्टॉक्स सेलेक्ट करना है, इसमें से 20,000 5 स्टॉक्स में लगाना है, और सेक्टर भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा तो रिस्क जो है उसमें मैनेज होगा, रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा आपके पोर्टफोलियो पर। उसके बाद अगला है हमारा रैलीज इंडिया, रैलीज इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो रैलीज इंडिया में देखते हैं तो 1 डे में, 1 डे में भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 डे में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखिए तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है 6 मंथ में 33%, डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, एयरटेल डेट में 74% का रिटर्न। वही 1 ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो 90% रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न,
फाइव ईयर्स में थोड़ा सा, मतलब फाइव ईयर्स के ईयर बेसिस पे करें, फाइव ईयर्स में तो मात्र 40%। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में 3,645% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो मतलब हर टाइम होराइजन पर ये बेहतरीन रिटर्न दिया है। कभी कभी ईयर टिल डेट में कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए उस साल का 1 जनवरी से, जैसे हम 2020 में ईयर टिल डेट बोलेंगे तो 1 जनवरी 2020 से अभी तक में कुल कितना रिटर्न दिया, ये ईयर टिल डेट होता है। तो कभी भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। लेकिन एक आपसे आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में इसके 5 स्टॉक्स बताना है। ये जो हम इस वीडियो में 12 स्टॉक्स बताते हैं, इसमें से 5 बेहतरीन स्टॉक्स आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हर आदमी को याद रखना है कि कमेंट बॉक्स में इस 12 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स आपको बता देना है, ताकि कोई भी मतलब नया इन्वेस्टर आए तो वो कमेंट बॉक्स में पढ़ करके अच्छी तरह से जान सके कि इसमें से 5 बेहतरीन स्टॉक्स कौन से हैं। अगला स्टॉक है हमारा एल्काइल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट देख लेते हैं रिटर्न, तो 3,799%, मतलब पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, गजब का रिटर्न दिया है। अब यहां से बात करें वन डे में निगेटिव है, 5 डेज में भी थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न, वन मंथ में देखिएगा तो पॉजिटिव रिटर्न, तो देख सकते हैं वन मंथ में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 6.84% का, 6 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में भी पॉजिटिव, मात्र 5 डेज में ये थोड़ा सा करेक्शन में है। तो जब भी आपको करेक्शन मिलता है, गिरावट पर मिलता है, आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगला है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और अभी जो आप देखिएगा ये काफ़ी हॉट स्टॉक बन चुका है, काफ़ी लोगों के नज़र में है, क्योंकि ये स्टॉक्स नया पे नया हाई बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं गिरावट जो आया था पैंडेमिक में, हमने भी पीछे के वीडियो में भी कवर किया था, 324% का रिटर्न मात्र जो है मार्च से जुलाई तक में दिया है, तो कितना बेहतरीन स्टॉक है। 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी बेहतरीन रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी बेहतरीन, 1 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 डेज उसमें भी, 1 डे में सिर्फ निगेटिव है, 1 डे में सिर्फ निगेटिव और 5 डेज में निगेटिव, उसके बाद हमेशा के लिए पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक्स बताने का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है, लेकिन ये ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं है, याद रखिए, क्योंकि इस पर गिरावट भी आता है तो काफ़ी तेज आ सकता है। तो ब्लू चिप स्टॉक्स आपको धीरे धीरे मतलब रिटर्न देता है, तो वो उसमें गिरावट की संभावना भी कम होती है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा पीरामल इंडस्ट्री, एक बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फार्मा में भी है, फाइनेंस सेक्टर में भी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स है। तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, और काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिला है, मतलब देख सकते हैं कई सालों से ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म था, 2017 से ही काफ़ी अंडर परफॉर्म था, और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रहा है। अभी आप देखिएगा तो ये अपने न्यूनतम प्राइस से जो गिरावट आया था मार्च में 112% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन। उससे पहले इस गिरावट से पहले 2017 से फार्मा के सेक्टर में जो भी स्टॉक्स था काफ़ी अंडर परफॉर्म था, तो यहाँ से देख सकते हैं उससे पहले ये 5,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। तो ये जब भी आपको करेक्शन में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पिरामल इंडस्ट्री आगे चल करके आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है भारत रसायन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी ये स्टॉक्स बेहतरीन है, अगर इसका रिटर्न देखिएगा लॉन्ग टर्म का तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं। ये स्टॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा था कि ये रिटर्न दे सकता है, और उसके बाद देखिए कितना 32,000% का रिटर्न, 32,000% का रिटर्न, इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न आपको बजाज फाइनेंस जो स्टॉक्स है वैसे वैसे स्टॉक्स दिए हैं, ये समझ जाइए ये भी उसी कैटेगरी का स्टॉक्स है आपके लिए, क्योंकि आपको रिटर्न से मतलब है, तो रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, देख सकते हैं चार्ट लगातार अप ट्रेंड में है, 1 ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, लगातार चार्ट अप ट्रेंड में है, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन, 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन, 1 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, 5 डेज में देखिएगा
तो गिरावट है, वन डे में देखिएगा तो गिरावट है। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स, इन सारे स्टॉक्स के हम धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं हम, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए भी लेवल्स और टारगेट बताते हैं। देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग करने से आपका माइंड एक्टिव रहता है कि शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कब जाता है, किस न्यूज़ के कारण जाता है, तो उससे आपका माइंड जो है लगातार एक्टिव रहता है। और फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही है, दोनों का अकाउंट अलग अलग रखिएगा, क्योंकि आप पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही शेयर को अगर दोनों में बाय किए लॉन्ग टर्म में और पोजिशनल ट्रेडिंग में, तो पहले आपका पोजिशनल ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स सेल नहीं होगा, बल्कि जो आप पहले से खरीद के रखें वही स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इन सब बात को आपको ध्यान रखना है। और अभी तक आपने 5 स्टॉक्स कमेंट नहीं किए हैं तो सोच लीजिए 5 स्टॉक्स कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स नीचे खोल लीजिएगा, लगातार जो पसंद आए 5 स्टॉक कर देना है आपको कमेंट में। तो आगे अभी 4 स्टॉक्स बचा हुआ है, तो चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, तो नाम से भी आप जानते होंगे कि ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया आपने इन्वेस्टर को, और देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न, 3,336% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। और चार्ट तो काफ़ी बेहतरीन, ये है लॉन्ग टर्म का चार्ट, काफ़ी बेहतरीन चार्ट। उसके बाद 5 ईयर्स में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन, 1 ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 1 डे में देखिएगा तो भी बेहतरीन रिटर्न। तो हमेशा बेहतरीन रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। हमारा है मुथूट फाइनेंस, 1 डे में पॉजिटिव रिटर्न, 5 डेज में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, उसके बाद 6 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। 1 ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। तो हमेशा ये बेहतरीन रिटर्न दिया, देखते हैं 673% का रिटर्न दिया है, 673% का रिटर्न 2011 से 2020 तक में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। और अब तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, यहाँ पर जो गिरावट आया था वहाँ से देख लीजिए 119% का रिटर्न दे चुका है, जो पैंडमिक के कारण इसमें गिरावट आया था, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक्स है एबेटो इंडिया फार्मा सेक्टर से, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक, फार्मा सेक्टर से एक और हमने बताया IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, 1 डे में डाउन है, 5 डेज में डाउन है, इसमें काफ़ी करेक्शन आया है इधर, 1 मंथ में भी काफ़ी करेक्शन है, 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में 5% के अप्रॉक्स करेक्शन है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है जो कि अभी करेक्शन पर आपको मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 18% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देख लीजिए तो ईयर टिल डेट में 13.77% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 77% का पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखेगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन चार्ट, मैक्सिमम ईयर में बात करें तो भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न, काफ़ी बहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं 2854% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है इस स्टॉक का, हर टाइम होराइजन पर, मतलब हर टाइम इंटरवल पर बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद अगला है जुबिलेंट लाइफ साइंस, 1 डे में डाउन है, 5 डे में डाउन है, 5 डेज में डाउन नहीं है, 5 डे में डाउन है, 1.65% डाउन है, 1 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देख सकते हैं 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, तो 1 मंथ में कितना है 13.26% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ये 600 रुपये का यहाँ था, यहाँ से चला गया 21.94% का पॉजिटिव रिटर्न, तो 6 मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी बेहतरीन रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी बेहतरीन रिटर्न, 5 ईयर्स में तो और भी बेहतरीन रिटर्न, 5 ईयर्स में यहाँ से आप देख लीजिए रिटर्न 178% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में बात करें तो ये स्टॉक्स ने दिया है 8796%, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो ऐसे ही बेहतरीन सब स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसमें से 12 स्टॉक में से 5 स्टॉक आपको कमेंट कर देना है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इन 12 स्टॉक्स में 5 स्टॉक्स जो है कौन सा बेहतरीन है, क्योंकि 12 स्टॉक्स में तो वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।